नमस्कार दोस्तों, एबीपी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि हाई वीपीएन ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों हाई वीपीएन फॉरेक्स टूल ऐप करके कुछ इसी तरह से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस ऐप का रिव्यू देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि 3.9 है। वो इसकी डाउनलोडिंग है वो 500 के प्लस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इसी तरह से इसका इंटरफेस रहेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी इंटरफेस देखने के बाद दोस्तों यह पूरा हो जाने के बाद दोस्तों अपना जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इसी तरह से यहाँ से हमारे सामने एक ऐड आएगी, तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से थोड़ा नीचे की तरह स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ऑप्शन दिखेगा और ये 3 लाइन दिख गया। यहाँ पर क्लिक करोगे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह रेटिंग ऐप वगैरह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से थोड़ा नीचे की तरह स्क्रॉल करोगे तो इसका जो भी सर्वर रहेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से ऐसे हम कौन सा भी एक सर्वर है वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारे सामने कुछ इसी तरह से कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है और कुछ ही देर में हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इसी तरह से ऐसे आपको तो कुछ देर वेट करनी है। वेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है और कनेक्ट हमारा जो भी ऐप रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड आएगी। ऐड आने के बाद दोस्तों ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से ऐसे आपके सामने ऐड आएगी। तो क्लोज करने के बाद दोस्तों ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट हो चुका है, जो कि देख सकते हो ऐसे सक्सेसफुल ऑप्शन आ चुका है। और उसी तरह से ऐसे बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की दोनों स्पीड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमारे जो भी अदर कंट्री में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी अपलोड और डाउनलोड की स्पीड रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से वापस आपके सामने ऐड आएगी और यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा ऐड को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।